तो आज फिर आज ही रूम है एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं जिसका वीडियो बना रहा हूँ आंध्र प्रदेश का एक आदमी है, उसने मुझसे कहा भाई मेरा चेहरा मत लो क्योंकि मैं ये सब काम कर रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है, मेरे घर वाले देखेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उसके चेहरे का या वो आदमी का फोटो नहीं लिया, वीडियो नहीं लिया। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मजरा का काम है, कुवैत में मजरे का काम है। ये मजरा ऐसा है कि मतलब सिटी से 50-60 किलोमीटर की दूर में है और हाईवे रोड भी दूर है, यहाँ पे लाइट भी अवेलेबल नहीं है। फोन चार्ज करने के लिए सूरज प्लेट है, मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में, सूरज प्लेट है और कुछ बैटरीज रखी हैं, उससे इन्वर्टर कनेक्ट है तो उसी से फोन चार्ज होता है, और कुछ फैंस लगे हैं वो चलते हैं, एसी का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कुछ 100 के करीब बकरियां हैं, उनको खाना पानी उनकी देखभाल करनी है। ये दूर दूर तक सिर्फ रेत है, यहाँ से हाईवे रोड भी लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी में है। ये रेत के अंदर गाड़ी हमारी 20 किलोमीटर के करीब चली है तब जाके ये मजरा मिला है। ये मेरे बॉस के दोस्त का है, यहाँ पे वो लोग आते हैं बैठते हैं कभी कभी 15-20 दिन में, वो एक बार आएगा, महीने में एक बार आएगा और पूरे महीने का राशन उसको दे जाएगा। ना यहाँ पे आसपास कोई दुकान है, ना आसपास कोई बैंक है, ना कोई मॉल, मॉल तो भूल ही जाओ, मॉल कहाँ से होगा यहाँ पे। यहाँ सिर्फ रेत है, एक भी पेड़ नहीं है, यहाँ पे पेड़ कुछ भी नहीं है, रेत के सिवा कुछ भी तुमको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा। यहीं रहना है, यहीं काम करना है, यहीं खाना है, यहीं सोना है। मैं भी रूम दिखाऊंगा, इसके अंदर रूम है, इसके अंदर जाएंगे तो रूम है, मैं भी रूम की डिटेल दिखाऊंगा। ये देखो ये रूम है, ये रूम के अंदर यहाँ पे ये बैटरीज रखी हैं कुछ, और यहीं पे ये बेड है, ये इसी में सोना है, ये इसी में पूरा सामान रखा है वो आदमी का। वो आदमी बोला मेरा चेहरा मत लो, तो जहाँ अंधेला आ रहा है, जहाँ चेहरा काला आ रहा है उसका, मैंने ऐसे जगह से वीडियो बनाया ताकि उसका चेहरा ना दिखे। ये है यहाँ पे काम, यहाँ पे काफी मुश्किलात है, रहना है लेकिन इंसान को पैसा कमाना है तो रहना पड़ेगा। मैंने पूछा भाई छुट्टी गए थे तो आ क्यों गए, बोला यार वहाँ पे क्या करता इंडिया में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बेहतर है यहीं आ गया कि क्या मतलब है वहाँ घूम के। यहाँ पे कम से कम 25-30 हजार तो मैं कमा रहा हूँ, इसकी सैलरी है 100 से 120 दिनार के बीच में सैलरी है उसकी, तो अब करना ही पड़ता है इंसान को, जब आना है काम करना है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो बोला भाई मैं कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, इंडिया में कोई 10,000-12,000 नहीं देता यार मुझे, मैं यहाँ पे 25-30 हजार कमा रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है तो क्या हुआ। मैंने कहा चलो भाई मुश्किल नहीं करो, क्या कर सकते हो। लेकिन उसने बताया कि हाँ मतलब अब आदत हो गई है, अब प्रॉब्लम्स, या पहले शुरुआत में जब आया था तब प्रॉब्लम्स लगती थी, तब थोड़ा डर लगता था अकेले यहाँ रहने में, लेकिन अभी आदत हो गई है। अभी आजू बाजू जो 2-3 किलोमीटर की दूरी में लोग हैं उनके पास चले जाओ रात में सो जाओ, या वो लोग यहाँ आ जाते हैं तो कभी कभी कुछ कुछ आसानी होती है, और कभी कभी अकेले सोना पड़ता है। ये कबूतर के लिए बनाया है इन लोगों ने, कबूतर यहाँ रहते हैं ज्यादातर, कबूतर इसके अंदर है पूरे पैक्ड हैं, ये कबूतर के लिए बनाया है, और यहीं पे वो लोग 15-20 दिन में एक बार आते हैं घूमने फिरने बैठने उठने दोस्तों के साथ, पार्टी आर्टी किए और खाए पिए चले गए। बस यही सब सिस्टम है, ये है मजरे का काम, इसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को, मजरे के काम की डिटेल है ये कुवैत में, इसकी सैलरी है लगभग 100 से 120 दिनार के बीच में। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।